नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ स्वर चयन आयोग लखनऊ के द्वारा मुख्य वन दरोगा की भर्ती का ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो है कब से कब तक होगा, सिलेबस क्या है, और अभी सिलेबस तो नहीं लेकिन ये पोस्टें टोटल कितनी है और एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो ऑनलाइन जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अभी तो सितंबर चल रहा है, 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 6 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया जाएगा और 13 लास्ट डेट नवंबर तक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो मांग चला जाए कि जनवरी या फरवरी में जो है इसकी मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है, जनवरी फरवरी तक। तो वन दरोगा की टोटल 701 पदों के लिए अध्याचन जो है आया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे पूरा टोटल 701 पद हैं जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन जो है वन दरोगा की भर्ती कराई जा रही है। इसमें पेट के 2021 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर इसमें किया जाएगा। तो अभी तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो है वो करके आयोग के द्वारा दिया जाएगा कितने लोग पा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्या है, OTP आवेदन कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखें फीस, तो फीस अभी 25 रुपया ही है और जब मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से एक बार आप लोगों को फीस सबमिट कराया जाएगा, तो वो अलग से नोटिस जारी की जाएगी। इसके बाद ये योग्यता की देखा जाए तो यहाँ पे योग्यता के बारे में आवेदन पत्र संशोधन और सभी चीज़ें जानकारी दी हुई हैं। टोटल पद जो है इस तरीके से दिया हुआ है, वन एवं वन जीव विभाग वन दरोगा। वेतनमान जो है 5200 से 2020, ग्रेड पे रुपये जो है 2800 पे है, लेवल पे 5 मैट्रिक्स रुपए। तो इस तरीके से 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, अच्छी नौकरी है। और यहाँ पे पूरा शैक्षणिक यहाँ पे टोटल पदों की संख्या जो है आरक्षण का वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आरक्षण वाइज टोटल कहाँ पे कितने सीटें हैं उनके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। तो ये पूरा लिस्ट जो है यहाँ पर योग्यता है, यहाँ पर योग्यता जो दी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो यानी एग्रीकल्चर के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सभी लोग इसमें जंतु विज्ञान से हैं, वनस्पति विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, भौतिक से, ये सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अधिमानी जो है, अगर आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर की भी प्रमाण पत्र लिया है तो आपको छूट मिलेगी। आयु सीमा जो है 21 वर्ष से प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, 1 जुलाई 2022 से एज जो है वो काउंट किया जाएगा। इसके बाद पूरे चयन का आधार जो है, विज्ञापित पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना के अधीन 31 अगस्त 2000 द्वारा ये पूरा दिया हुआ है। इसके अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर जो है की जाएगी। इसके बाद दौड़ भी है इसमें, शारीरिक मानक भी है। तो सभी लोग जो भी हैं पेट के दिए हुए हैं, अगर उनका 50+ है नंबर तो वो सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, चांसेस हैं उनको मिलने की। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर जो है दौड़ है, 4 घंटे में 14 किलोमीटर फीमेल के लिए दौड़ है। दौड़ क्या है, ये मतलब पैदल चाल चलनी है। शारीरिक स्वास्थ्य नियम, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथासमय पृथक से जो है प्रेषित की जाएगी। जब ऑनलाइन फॉर्म भरा लिया जाएगा तो नवंबर उम्र में आपका शॉर्ट लिस्टिंग समय, आपके टोटल जो पद हैं उनके सिलेबस, पाठ्यक्रम, वो सभी चीज़ें अपलोड की जाएंगी और 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए वो मुख्य परीक्षा हित जो है शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये PDF टेलीग्राम में हम शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप इस को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया वन दरोगा की भर्ती के बारे में। इसके अलावा जो है GTA की वैकेंसी जो है आपके 15 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी कोई जानकारी डेट की नहीं मिली है क्योंकि अभी आयोग के पास शासन से अनुमति नहीं मिल पाई है कि 906 स्टूडेंट जो हैं उनको सम्मिलित करने का। जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाएगी आपके GTA की भी भर्ती 2021 से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अक्टूबर में नोटिस एक जारी कर देंगे कि नवंबर या दिसंबर में हम फॉर्म को भराएंगे। वो सिर्फ शॉर्ट नोटिस इनको इसी तरीके से जैसे वन दरोगा का जारी किया गया उसी तरीके से जारी करके 2021 के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। तो जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाएगी उसके बाद वो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो करवा लेंगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।